Hi. Hi. Can I sit? Yeah, sure. Thank you. वो ना एक्चुअली बहुत देर से तुम्हें ही देख रहा था तो मुझे लगा मुझे तुमसे बात करनी चाहिए। बात करनी चाहिए? देखो फ्रैंकली मेरी लाइफ में कोई लड़की नहीं है यार, एंड आई थिंक आई लाइक यू। लाइक यू? मुझे प्लीज़ गलत मत समझना, मेरी कोई ख़राब इंटेंशन नहीं है। मैं जेन्युइनली ये चाहता हूँ कि तुम और मैं साथ में रहें। जैसा आज हम पार्टी पे मिले अच्छा लग रहा है ना, मैं चाहता हूँ ऐसे हम बहुत पार्टीज़ करें, मूवीज़ देखें साथ में, बहुत इन्जॉय करें, खाना पीना साथ में करें। इवन हमें लड़ना भी चाहिए कभी कभी, यू नो, क्योंकि किसी भी रिलेशनशिप में छोटी मोटी लड़ाइयाँ होना, एक दूसरे से नाराज़ होना अच्छा होता है ना। रिलेशनशिप? तो मुझे फिर गलत समझ रही हो, मेरी वो वाली इंटेंशंस नहीं है, वो वाली वैसे वाली इंटेंशंस। ओके, वैसी वाली इंटेंशन। हाँ, वैसे वाली इंटेंशंस। तो क्या मैं हाँ समझूँ? ऑब्वियसली हाँ, मुझे हमेशा से छोटा भाई की ज़रूरत थी और तुम उसके लिए परफेक्ट हो। छोटा भाई? हाँ छोटा भाई। क्या हुआ? कुछ नहीं, भाई हो ना, बड़ी ज़ोर से बहन की गाली आ रही थी। तुम्हें तू लोगों को कसम है कि बताना सही सही मेरे को, तुम्हारे साथ ऐसा कभी हुआ है कि नहीं हुआ? कई बार होता है ऐसा कि हमारी जो एज है उसको लोग गलत समझ लेते हैं और हमारी इंटेंशन को भी गलत समझ लेते हैं। अब देखो ये तो ज़िंदगी का दस्तूर है कि जब हम छोटे होते हैं हमारे अंदर होता है कि फटाफट से हम बड़े हो जाएं, हम बड़ों की तरह क्यों नहीं दिख रहे हैं, और जब हम बड़े हो जाते हैं तो हमें लगता है यार हम छोटे ही अच्छे थे, तो ये तो चलता ही रहता है। लेकिन हाँ, लुकिंग मैनली इज़ नेवर अ मिस्टेक। आप हमेशा अच्छे दिखोगे अगर आप चाहते हो कि हम और मैच्योर दिखें और ज़्यादा मैस्कुलिन दिखें, और टीनेजर्स जितने भी अभी हैं या फिर वो लोग जो एडल्ट हो चुके हैं, बड़े हो चुके हैं लेकिन अभी बड़े लगते नहीं है, आपने सही वीडियो पे क्लिक किया है। सो हेलो गाइस एंड गर्ल्स, आई एम अपार शर्मा एंड आई एम बैक विद माय न्यू वीडियो, एंड दिस टाइम ऑन हाउ टू लुक मोर मैनली, मोर मैस्कुलिन एंड मोर हैंडसम। तो सबसे पहले बात करते हैं कि आपके वार्डरोब में आपको क्या चेंज करना है। यू हैव टू स्विच टू डार्क कलर्स, आपको ज़्यादा वेयर करना है डार्क कलर्स को, क्योंकि जब भी आप देखोगे कि मैच्योर लोग जो ज़्यादा दिखते हैं या फिर जो ज़्यादा मैनलीनेस अपने साथ कैरी करते हैं वो लोग डार्क कलर्स ही ज़्यादा पहनना पसंद करते हैं। कुछ कलर्स जैसे कि नेवी हो, ब्लैक हो, डार्क ब्राउन हो, या कॉफ़ी कलर हो, डार्क रेड हो, या फिर बोलो कि ग्रे कलर हो, डार्क ग्रे कलर हो, ये कुछ ऐसे कलर्स होते हैं जो हमारी बॉडी पे बहुत अच्छे से पनप कर आते हैं और बहुत अच्छे से एनहांस करते हैं हमारी पर्सनालिटी को। भाई अगर मैं बात करूँ कुछ थोड़े कैजुअल कलर्स के बारे में, जैसे कि येलो हो गया, ऑरेंज हो गया, या पिंक हो गया, कुछ वाइब्रेंट कलर्स हो गए, इसमें भी हम नो डाउट अच्छे लगते हैं लेकिन थोड़े से ज़्यादा कैजुअल और कूल ज़्यादा दिखाई देते हैं। यहाँ पे आपको मैन नहीं दिखना है तो डार्क कलर्स के लिए ज़्यादा जाना, लेकिन ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि कलर आपने डार्क पहना है लेकिन तब भी आप मिस्टेक कर रहे हो। पूछो कैसे कि उस पर यहाँ पे वो सिल्वेस्टर ट्विटी बनी हुई है या फिर लिखा हो माई लाइफ माई रूल्स ब्लड इज फुल्स, ऐसा करें कुछ स्टूपिड सा कोड लिखा हो, उससे भी आप मैच्योर नहीं लगने वाले। तो सॉलिड कलर्स के लिए मैं आपको कह रहा हूँ कि हाँ थोड़ा सॉलिड या प्रिंटेड या फिर बेसिक स्टाइल की तरफ स्विच करो अगर आप डार्क कलर पहनना चाहते हो। पॉइंट नंबर टू इज़ अ बेसिक नीड हर इंसान की लाइफ में, हर मैन की लाइफ में। अगर आपको मैनली नहीं भी दिखना तो भी मैं कहूँगा हाँ एक्सरसाइज की तरफ थोड़ा सा शिफ्ट करो, क्योंकि हम जितना फिट रहेंगे उतना ज़्यादा हम अंदर से अच्छा और कॉन्फिडेंट फील करेंगे। सो यू कैन हिट द जिम, आप जिम जाओ, वहाँ पर जाके वो कोने में खड़ी हुई सुंदर सी लड़की को देखो और जाके बोलो कि आप हमारी लीग से बाहर हैं, तो इससे बेटर है हम अपने वर्कआउट पर ध्यान देते हैं, लड़कियाँ वड़कियाँ आती रहेंगी। तो आपको वर्कआउट करना है, अच्छे से करना है, इंटेंसली करना है। मैं आपको ये भी नहीं कह रहा कि 2.5 किलो के डंबल आपको ब्रेकफास्ट में दूध में मिक्स करके खाने हैं या प्रोटीन के डब्बे खा जाने, इतना वर्कआउट करो जितना आपकी बॉडी अलाउ कर सके कि हाँ इतनी मेरी स्ट्रेंथ है इसको मुझे बढ़ाना है, और अंदर से अच्छा फील करने के लिए आपको वर्कआउट करना है। उससे आपका टेस्टोस्टेरोन भी बूस्ट होगा अगर आप वर्कआउट कर रहे हैं, और उससे भी मैनलीनेस आपकी अल्टीमेटली बढ़ती है। तो अगर आपको सिक्स पैक नहीं बनाना या फिर 16 का डोला नहीं भी बनाना तो इतना कर दो कि हाँ आप फिट रहो, और किसी के कहने के लिए नहीं, अपने लिए अपने अंदर से फिट रहो। थर्ड पॉइंट में मैं बात करना चाहता हूँ उस चीज़ की जो मैनलीहुड की मैनलीनेस की निशानी है। अगर ये आपके पास है तो ऑब्वियसली आप एक बहुत अच्छा मैनलीनेस अपने अंदर कैरी करो, नहीं है
तो शायद आप कैरी नहीं कर रहे हो, लेकिन तब भी आप मर्द हो, अपने ऊपर डाउट मत करना। मैं खैर बियर्ड की और बियर्ड स्टाइल्स के बारे में बात कर रहा हूँ। अब मैं ये नहीं कहता कि आपकी बियर्ड नहीं आती तो आप इंसान ही नहीं हो, लेकिन हाँ ये एक एड ऑन होता है, एक चेरी ऑन द केक वाली बात होती है कि अगर आपकी बियर्ड है तो आप और ज़्यादा मैच्योर और मैनली दिखाई देते हो। और अगर आपका रीज़न ये है या बहाना ये है कि मेरी पैची बियर्ड है, मेरी बियर्ड फुलर आती ही नहीं है, मेरी बियर्ड मैनेजेबल नहीं है, तो हम लोग यहाँ पे क्यों बैठे इतने टाइम से, हम चैनल चला रहे हैं, मतलब हम पागल हैं क्या? कैमरा बंद कर, मैं वीडियो नहीं बना रहा। क्यों बनाऊं वीडियो, इतनी वीडियो बनाई आपने, देखी नहीं कभी आज तक? जोक्स अबाउट, आप हमारी पैची बियर्ड के ऊपर वीडियोस देख सकते हो, बियर्ड को कैसे मैनेज करना है, बियर्ड स्टाइल्स के ऊपर भी वीडियो बनाई थी, अब वो देख सकते हो। अगर आपकी पैची, अब लोग ना पैची में क्या मिस्टेक करते हैं कि उनकी आती यहाँ यहाँ पे ऐसे चिलगोजों की तरह, लेकिन वो यहाँ से ऐसे कट लगवा देते हैं जैसे कि पूरा मुंह उनका भरा हुआ है जैसे, तो आपकी मिस्टेक यही है कि जहाँ तक बियर्ड आती कट वहीं से लेना चाहिए हमेशा। ये दिखाने की ज़रूरत नहीं है आपको सबको कि हमारी पैची बियर्ड आ रही है, तो उस तरीके से आप शेप्स करवा सकते हो। बियर्ड को मेंटेन करना ज़रूरी है। जिन लोग की बिल्कुल भी नहीं आती उनको एक बढ़िया सा प्रोडक्ट रिकमेंड कर देता हूँ, अर्बन गबरू का बियर्ड ग्रोथ ऑयल बूस्टर। तो बियर्ड ग्रोथ ऑयल बूस्टर आप अपनी बियर्ड के लिए यूज़ कर सकते हो, अपनी बियर्ड में डिफरेंस देखने के लिए। उसके अलावा बियर्ड कोम, बियर्ड वॉश या फिर कैस्टर ऑयल डाइल्यूटेड विद कोकोनट ऑयल भी यूज़ कर सकते हो अपनी बियर्ड को मेंटेन करने के लिए। नेक्स्ट पॉइंट में मैं अपने परम पूज्य गुरु मिस्टर बार्नी स्टिंसन का नाम लेना चाहूँगा, जिनको मैंने बहुत ही ढंग से फॉलो किया था हाउ आई मेट योर मदर में, शो बहुत बढ़िया आप देख सकते हो। लेकिन उसके अलावा बात करते हैं बार्नी की, बहुत बढ़िया कैरेक्टर है ये, और उसकी एक चीज़ बहुत ही फेमस है, वो है सूट अप। अब इस पॉइंट में मैं सूट्स के बारे में बात करना चाहता हूँ। अगर आपको मैच्योर दिखना है, थोड़ा मैनली दिखना है, डिसेंट एक जेंटलमैन दिखना है, तो आप सूट्स की तरफ शिफ्ट कर सकते हो, अपनी वार्डरोब में आप सूट्स ऐड ऑन कर सकते हो। अब सूट्स का ये नहीं है कि आप कहीं भी पहन के, ट्यूशन पहन के चले गए, आप स्कूल पहन के चले गए, लड़की से मिलने चले गए सूट पहन के, वो आपको नहीं करना। लेकिन हाँ, जब जब आपको मौका मिले तो आप पहनो, उनसे बचो मत कि यार शर्ट पैंट ही पहन लेता हूँ या कुछ भी नहीं करना, कोई ओकेजन भी नहीं है, तो एटलीस्ट अपनी प्रोफाइल पे अपनी फोटोज डालो, अपने फोटो शूट करवाओ सूट पहन के। और हाँ, वो वाले सूट मत पहनना जिस पर चांद सितारे बने होते हैं, जो हम अपनी दूर की फूफी की शादी में पहनते हैं स्पोर्ट्स शूज़ के साथ, वो वाले नहीं पहनना। बहुत डिसेंट से आप मेरा कलेक्शन देख सकते हो, मेरे इंस्टाग्राम पे देख सकते हो, सूट्स के ऊपर मैं काफ़ी अपडेट्स डालता रहता हूँ। वहाँ से इंस्पायर होकर आप फॉर्मल्स की तरफ शिफ्ट कर सकते हो, सूट इफ़ नॉट सूट्स देन आप फॉर्मल शर्ट्स की तरफ जा सकते हो। और एक लड़की ना हमेशा बोलेगी आपसे कि उसको सबसे अच्छा लड़के में क्या लगता है, तो वो जो क्रीस वाली हमारी फॉर्मल पैंट्स होती है उसमें टक्ड इन एकदम बॉडी फिटेड शर्ट्स होती है ना, फॉर्मल्स वाली स्लीव्स रोल अप करके जो हम पहनते हैं, वो बहुत ज़्यादा क्लासी लगती है और बहुत ज़्यादा सेक्सी लगती है। ज़्यादा बानी को भी इस फोटो में देखोगे तो कैजुअल में, और आप सूट में देखोगे शक्ल सेम ही है, लेकिन कितना डिफरेंस आ जाता है अगर आप फॉर्मल्स पहनते हो, तो आप इसको ऑप्ट कर सकते हो। और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट जो मुझे लगता है, दैट इज़ योर कॉन्फिडेंस, ना कि सिर्फ आपके बात करने का कॉन्फिडेंस। ये भी नहीं होना चाहिए कि आप दुनिया भर की बकवास कर रहे हो कॉन्फिडेंस के साथ, तो लोग कहेंगे वाह यार क्या कॉन्फिडेंस है, कोई नहीं बोलने वाला। आपको सेंस बोलनी है और कॉन्फिडेंस में बोलनी है, तब आपके मार्क्स ज़्यादा अच्छे से बढ़ेंगे और ग्रेस के मार्क्स भी मिलेंगे। साथ ही साथ आपकी बॉडी का जो पोस्चर है, जो आप अपनी बॉडी को किस तरीके से कैरी कर रहे हो, कहीं आप झुके हुए तो नहीं, आप किस तरीके से हैंडशेक कर रहे हो, कैसे आई कॉन्टैक्ट बना रहे हो, ये सारी छोटी छोटी एटिकेट्स भी होते हैं जो हमारे कॉन्फिडेंस को बिल्डअप करती हैं। तो भले ही आपकी उम्र 17-18 होगी, लेकिन आप पूरे खतरे वाले होगे अगर आपका कॉन्फिडेंस बहुत ही बढ़िया होगा। उसके अलावा विंटर सीजन की बात करें तो लेदर जैकेट्स और बूट्स की तरफ आप ज़रूर जाना, क्योंकि उसमें बहुत ज़्यादा मैनली लुक आती है और लड़कियों को भी काफ़ी ज़्यादा इंप्रेस आप कर सकते हो अगर आपने जैकेट पहनी है, बूट्स पहने हुए हैं और आप उसको अच्छे से कैरी कर रहे हो तो। उसके अलावा बात करते हैं रोल अप की। रोल अप बेसिकली मैं आपको जीन्स या ट्राउजर्स को रेफर कर रहा हूँ और आपकी शर्ट की स्लीव्स को रेफर कर रहा हूँ। आजकल जो मिस्टेक मैं बहुत ज़्यादा देखता हूँ कि ठीक है भाई, एक ज़माना था कि हम भी रोल अप करके पहनते रहे जीन्स को, लेकिन अब घुटनों तक चढ़ानी शुरू कर दिए लोगों ने रोल कर करके। मैक्स टू मैक्स आप एक फोल्ड मारो, वो भी तब अगर आपको लेंथ इशू, वरना आप एंकल लेंथ नॉर्मली ही पहनो, वो थोड़ा ज़्यादा डिसेंट लगता है। वो चढ़ा चढ़ा के पहन के लोगों को बाल दिखाने की ज़रूरत नहीं है, और आपकी जो स्लीव लेंथ होती है वो भी बहुत सेक्सी लगती है। जैसे मैंने पहले बताया, अगर आप यहाँ अपने एल्बो तक रोल अप करके पहनते हो, उससे नीचे और उससे ऊपर नहीं होनी चाहिए, वरना वो अनटाइडी लगता है, तो आप उसका जरूर ध्यान में रखें। लास्ट बट नॉट द लीस्ट पॉइंट, जो आपको गूगल भी नहीं बताएगा और कोई और भी नहीं बताएगा, वो ये है कि टॉक टू योर डैड। वो कहते हैं ना कि डोंट टीच फादर हाउ टू मेक बेबीज, या फिर बाप बाप होता है बेटा बेटा वाली बात होती है, तो अपने पापा के साथ टाइम स्पेंड किया करो, क्योंकि हमारे डैड को जितना एक्सपीरियंस होता है और जितनी मेच्योरिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारी लाइफ में उनके पास होती है, उतनी किसी के पास भी नहीं। तो उनके पास बैठो, उनको ऑब्जर्व करो, उनके एक्सपीरियंसेस शेयर करवाओ उनसे कि हाँ वो अगर हमारी जगह पे थे, हमारे जितने थे जब, तो वो क्या क्या चीज़ें करते थे, तो आपको बहुत सारी चीज़ें समझने में आएगी। क्योंकि ये फैक्ट है, हम लोग को सब बैठे बैठाए मिलता है, तो हम लोग लाइफ में इतना मैच्योर कभी बन ही नहीं पाते, और अब वो अपने टाइम में बहुत मैच्योर होते हैं। सो वो एक बॉन्ड अगर आप शेयर करते हो, तो आपको लाइफ में बहुत ही ज़्यादा मैनलीनेस आपके अंदर बढ़ेगी। चलो अब मेरे पास तो यही सब था पिटारे में, जो भी वीडियो में बोलना चाहता रहा। अब वो जो पार्टी आपने वीडियो के शुरू में देखी, उसके बाद कुछ महीनों बाद उस लड़के के साथ क्या हुआ, वो देखते हैं।
हाय हाय लॉन्ग टाइम हाँ कैन आई सिट या श्योर काफी बदल गए हो यार तुम ऐसे बदल गए हो अच्छी सेंस में बोल रही हो ना ऑब्वियसली अच्छे सेंस में बोल रही हूँ फिर ठीक है थैंक यू अभी भी वैसी हो या अब तो वैसे तुम्हारे लाइफ में बहुत सारी लड़कियाँ होंगी हाँ हाँ बाहर तुमने देखा नहीं कितनी लंबी लाइन थी मैं बाहर से कितना भी बदल गया हूँ अंदर से अभी भी वैसा हूँ और आज भी तुमको लेकर मेरे अंदर वही सवाल है वही सवाल कौन से कि तुम्हारी हाँ है या ना मेरी तब भी हाँ थी और आज भी हाँ है कैसे पहले मुझे छोटा ब्रदर चाहिए था और अब मुझे लगता है कि छोटे भाई ना बहुत ज़्यादा इरिटेटिंग होते हैं तो अब तुम लगते भी बड़े हो तो तुम ना बड़े भाई के लिए बिल्कुल परफेक्ट हो ओ भाई मारो मुझे मारो मारो क्या हो गया कुछ नहीं बड़ा भाई हो ना और बड़ी बड़ी गालियां आ रही अंदर से